दूसरी तरफ मंडी में विदेश भेजने के नाम पर सुंदरनगर के एक युवक से 20,45,000 की ठगी हुई है। युवक से पिछले आठ महीनों से जो है वो विदेश भेजने के नाम पर यह ठगी की जा रही थी, जिसके बाद युवक ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सुंदरनगर थाना के अंतर्गत तरकोटी गांव के रूपलाल हैं, जिन्होंने शिकायत की थी कि उनसे विदेश भेजने के नाम पे एक दिल्ली की कंपनी कोई एवी इंटरनेशनल सुभाष चंद्र ऐसे करके एक फर्जी कंपनी है बनाई हुई दिल्ली में, तो वहां इन्होंने ठगी की है इस आदमी के साथ। ये ठगी एक्चुअली पिछले दिसंबर से चल रही थी, थोड़े थोड़े पैसे इससे लेते रहे। बीच में इसको एक फर्जी वीज़ा भी कजाकिस्तान का बना के इन्होंने दिया, जो कि अभी प्राइमा फिशाई जो अभी पाया गया है, इनिशियल स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन, मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया, FIR इसमें थाना सुंदरनगर में दर्ज की गई है। और इसमें ये जो महिला है इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, एक महिला जो कंपनी के वहाँ ऑफिस में बैठती थी दिल्ली की, वो आइडेंटिफाइड है। और अभी FIR इसमें दर्ज हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है अभी इनिशियल स्टेज पे है और आगे की जांच इसमें जारी है। कुल मिला के इसमें 20,45,000।